दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसी टेक्नीशियन प्रोफेशनल के बारे में। अगर आप भी एसी टेक्नीशियन हैं और अगर आप प्रोफेशनल टेस्ट देने जा रहे हैं तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके प्रोफेशनल टेस्ट में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आज का वीडियो आप पूरा देखिए, इंशाल्लाह आज के वीडियो से आपको फायदा हो सकता है। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड कलर बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसी टेक्नीशियन प्रोफेशनल के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने दो वीडियो बनाया था, पहला था इलेक्ट्रिशियन के ऊपर में और दूसरा था प्लम्बर के ऊपर में। ये दोनों वीडियो दोस्तों आप देख रहे होंगे। अगर आपका भी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर है तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देखिएगा, इससे आपको फायदा हो सकता है। इस वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एसी टेक्नीशियन के बारे में। तो दोस्तों आज मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन जो है मैंने अपने दोस्तों से लिया है जिन्होंने अभी टेस्ट दे के आया है, माशाल्लाह सब पास भी कर गए हैं। तो उनकी मदद से, उनका हेल्प लेके दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इंटरनेट से सब क्वेश्चन जो है मैंने सर्च करके निकाला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन जो उनको आया है वो क्वेश्चन आपको भी मिले। ठीक है, मैंने जितने भी दोस्तों से बात किया, मैंने तकरीबन दो या तीन दोस्तों से मैंने बात किया, कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन था और बहुत सा क्वेश्चन जो है डिफरेंट आया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पे आएगा ही आएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक क्लू दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ कि आपके सामने भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों आप ये मत करिए कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया आप सिर्फ उसी को याद कर लिया आप चले गए एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा मत करिएगा। इसलिए आप भी अपने हिसाब से प्रिपेयर होइए एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एग्जाम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ के जो एग्जामिनर है बहुत ही बढ़िया है, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आप अभी तक का जितने भी बंदे गए हैं एग्जाम देने के लिए माशाल्लाह सब पास करके आए हैं, कुछ ही जो होंगे जो फेल हुए होंगे, बाकी सब जो है पास होकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा थ्योरी क्वेश्चन कि थ्योरी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके बाद में बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या टास्क दिया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों थ्योरी में सबसे पहले आपसे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, तीन टॉपिक पे आपसे थ्योरी क्वेश्चन होता है। ओके, पहला हो गया दोस्तों आपका सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में कि सेफ्टी इक्विपमेंट क्या यूज है और उसका क्या फायदा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा दोस्तों टूल्स, आपको प्रोफेशनल में मतलब के एसी टेक्नीशियन जॉब में आप कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका यूज क्या है दोस्तों। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों पार्ट्स, ठीक है, आप कौन कौन सा पार्ट्स यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका यूज क्या है। ये तीन चीज आपका कॉमन रहेगा ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो ओके दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका थ्योरी में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जैसे कि कंप्रेसर मोटर की बर्निंग आउट के लिए कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा अगर इसमें, लेकिन आप टोटल देख सकते हैं कि इस एक क्वेश्चन का चार ऑब्जेक्टिव आंसर दिया हुआ और साथ ही इसका एक करेक्ट आंसर भी दिया हुआ। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा दोस्तों, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर किस टाइप का कंडेंसर का प्रयोग होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली मोटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोपरेटिव कंडेंसर में किसका प्रयोग एक कूलिंग माध्यम के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट एक्सचेंजर को किस सिस्टम में किनके बीच स्थापित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेटर किस में स्थापित किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, कैपिलरी ट्यूब को काटने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोपरेटर में प्रवेश करने पर रेफ्रिजरेंट की क्या अवस्था होती है। इसके बाद दोस्तों, रेफ्रिजरेट का कावेधानक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट किस में परिवर्तन करने पर भिन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम जिसमें फ्रियोन का उपयोग किया जाता है उसमें रिजर्व
किसके द्वारा खोजा जाता है, मतलब कि लीकेज किसके द्वारा खोजा जाता है। ओके इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रेफ्रिजरेट विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे रेफ्रिजरेटर में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, उसका आंसर भी देख सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी का कौन सा भाग एयर को साफ करने का मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छोटे स्थान को ठंडा करने के लिए कौन सा तरीका आसान और सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्प्लिट एसी की बाहरी यूनिट का एक भाग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टन एसी का औसत रनिंग करंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मास्टेट तापमान के नियंत्रण करता है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, जिसे मैंने खोलने का कोशिश किया है हिंदी में, मुझे हिंदी में मिला नहीं, तो मैं आपके लिए सीधा इंग्लिश में लिख आया हूँ, तो आप इसे समझ लीजिए, इसका आंसर पूरा दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, द बैंक ऑफ ट्यूब एट द बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, ठीक है दोस्तों इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेशर गेज ऑन द डिस्चार्ज साइड ऑफ ए रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर रीड टू हाई, द रीजन विल बी। ओके इसका रीजन क्या है आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज फ्लोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वेपर कंप्रेसर साइकिल द रेफ्रिजरेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व इज। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन द, किसके बीच में रहता है दोस्तों आपको बताना होगा, इसका आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया सर्च करके। तो फिर से मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको भी मिले। ठीक है, क्योंकि मैं दो तीन दोस्तों से बात किया, सबका डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन जो रहता है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन जो है डिफरेंट भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट्स दे रहा हूँ कि आपके सामने भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आप भी अपने हिसाब से प्रिपेयर होकर जाइए एग्जाम के लिए, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं दोस्तों, आप आराम से पास कर सकते हैं। आपको थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, आप जैसे ही कंप्यूटर पर बैठेगा आपको 30 मिनट्स ऑन हो जाएगा, 30 मिनट जैसे ही खत्म होता है आपका जो टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल में आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, डेढ़ घंटे के लिए टाइम दिया जाएगा, आप जितना जल्दी कर सके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें आपको दोस्तों बहुत तरह का टास्क दिया जाता है, जैसे मैंने अपने दोस्तों से बात किया, सब ने अपना अपना बताया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि लीक टेस्टिंग करने के लिए दिया गया, किसी ने कहा कि थर्मोस्टेट लगाने के लिए दिया गया, किसी ने कहा कि वेल्डिंग वगैरह करने के लिए दिया गया, और किसी ने कहा कि कैपेसिटर वगैरह कनेक्शन वगैरह करने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बोलने मतलब दोस्तों कि किसी को सबको एक टास्क नहीं दिया जा रहा, सबका टास्क जो है चेंज करके आपको सबको दिया जा रहा। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया एक हिंट्स के तौर पे, कि आप इसको देखिए समझिए कि आपके सामने भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है करना है, या आपके मन में कोई इसी तरह का डॉट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट जरूर से रिप्लाई करूंगा। अभी मैं इसी तरह से दोस्तों मैं अपने दोस्तों से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे कुछ दूसरा प्रोफेशनल के बारे में मालूम चलेगा मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल साथ में बने रहिए, और अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करें, मुझे सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।